आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। तो बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज भी लू का प्रकोप जारी रहेगा। इस बीच राहत की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने दिल्ली में बुधवार से शुक्रवार तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान धूल भरी तेज हवाएं 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलने का अनुमान है। ऐसे में लोगों से जल्द ही गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं पश्चिमी इलाके के सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव हो रहा है। गौरतलब है कि पूरे मार्च और अप्रैल महीने में अब तक बारिश नहीं हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के अनुसार आज दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एक्यूआई खराब श्रेणी में 223 है। वहीं नोएडा में एक्यूआई खराब श्रेणी में 282 दर्ज हुआ है, जबकि गुरुग्राम में बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई 340 रिकॉर्ड हुआ है। आपको बता दें कि एक्यूआई का 0 और 50 के बीच अच्छा माना जाता है और 51 और 100 के बीच संतोषजनक। 101 और 200 के बीच इसे मध्यम और 201 और 300 के बीच इसे खराब माना जाता है। वहीं 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच इसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।